हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। अगर आपने हमारी वीडियो का पहला भाग नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एक बात और ये है कि ये वीडियो फर्स्ट भाग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सारा निचोड़ है। चलिए शुरू करते हैं। संलेखना या संथारा विधि, जैन धर्म में ये संलेखना या संथारा विधि है। इसका मतलब होता है निराहार या निर्जल, बिना भोजन और पानी पिए रहकर प्राण त्याग करना, संलेखना या संथारा विधि कहलाती है। देखिए, UPSI या पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SI में डीपली पूछा जाता है और ये डीपली है सारा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने संलेखना या संथारा विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे। चंद्रगुप्त मौर्य दे देगा, अशोक दे देगा और दो शासक और दे देगा, तो आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जैन धर्म के तीन रत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। चलिए आगे देखते हैं। महावीर जैन ने अपने 11 प्रिय शिष्यों के साथ मिलकर संघ की स्थापना की थी। एक संघ की स्थापना की थी जो उन्हें गणधर कहा जाता है। 11 प्रिय शिष्यों को गणधर कहा जाता है, ठीक है। उनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो जाती है, तो एक शेष बचते हैं सिर्फ, जिनका नाम होता है सुधर्मन। सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन था, किसके, महावीर की मृत्यु के बाद, तो ये हैं सुधर्मन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, ये थे जम्बू, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म दो भागों में बट गया था। पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतंबर। देखिए, दिगंबर कहते हैं जो नग्न रहते हैं और श्वेतंबर कहते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है। दिगंबर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, भद्रबाहु, ठीक है, और श्वेतंबर का नेतृत्व कर रहे थे स्थूल भद्र। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हेमचंद्र की एक कृति है परिशिष्ट पर्वन, जो आप लास्ट वीडियो में, 20 वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। उसके अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ गया था। 12 वर्षों तक बहुत से जैन जो है भद्रबाहु के साथ, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण वेल गोला कर्नाटक चले गए थे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ गया, ना खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में वो कर्नाटक चले गए थे और शेष जैन लोग जो है वहीं रुक गए थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे स्थूल भद्र, ठीक है, मगध में ही रुक गए थे वो। अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु व उनके समर्थक, उनके सहपाठी जितने भी थे, मगध लौटे, तो स्थाई लोगों ने उनका मतभेद हो गया। मतभेद क्यों हुआ था, क्योंकि 12 साल बाद आए थे, 12 साल बाद धर्म में चेंजिंग हो ही जाती है, धर्म कुछ और लोग कुछ और बना लेते हैं उसको, ठीक है। देखिए, और जब वो आ गए थे तो इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था, जिसका जो दक्षिणी जैन थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। तब से अब तक जैन धर्म में दिगंबर, दक्षिणी जैनी दिगंबर कहलाए और मगध के जैन श्वेतंबर कहलाए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे। प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व लगभग, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र, और ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसके शासक किसके शासक में हुई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। इसका परिणाम क्या इसका परिणाम निकला था, जैन धर्म स्वतंबर एवं दिगंबर दो शाखाओं में बढ़ गया था। चलिए अगला देखते हैं। दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, देवार्धी धारमिणी। ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी बल्लवी, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। जैन, इसका परिणाम ये था कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। देखिए, जब वो थे महावीर स्वामी, तो कुछ कहीं लिखते थोड़ी ना थे वो, तो परिणाम स्वरूप सारे उनको एक बुक बनाई, उसे क्रमबद्ध करा गया था, ठीक है, उस धर्म में था, ठीक है। आगे देखते हैं। महावीर जैन के अनुनाई, जो महावीर
को अनुसरण करते थे वो शासक उस समय के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पहले लिच्छवी वंश के शासक थे नरेश चेटक, ठीक है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मगध के शासक थे, और तीसरे हैं कलिंग, जो कलिंग के शासक थे ये थे नरेश खारवेल, ठीक है। और भी हैं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट ही बताए हैं। चलिए और थे चंड प्रदोत जैसे, ये अवंती के शासक थे। और नेक्स्ट हैं दधिवाहन, ये चंपा के थे, चंपा ये महाजनपद है, हम आगे पढ़ेंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं महावीर ने प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महावीर ने किस भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया था? प्राकृत भाषा में, ठीक है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए थे, ठीक है। ये जब बुक बनाई थी एक, तो जैन साहित्य में 12 अंग और 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र थे, जो द्वितीय जैन संगति के बाद क्रमबद्ध किया गया था धर्म को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए परिशिष्ट पर्वम किसकी है? ये हेमचंद्र की। और कल्पसूत्र है भद्रबाहु की, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जैन जो तीर्थंकर गुजरे हैं उनकी जीवनी भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में ही लिखी गई थी। लास्ट है द्रव्य संग्रह, ये है नैमीचंद्र की। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।